जिला मुख्यालय के समीप मलाहत गांव में प्रस्तावित पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज पीजीआई चंडीगढ़ से टेक्निकल टीम ने ऊना पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अभी इसका टेंडर फ्लोट हो गए हुए हैं, तो ये जो आप बता दीजिए सैनी साहब कि कब तक ये टेंडर वो जो एजेंसी है सीपीएससीयू को देना है टेंडर, तो प्रॉब्ली विद इन 10 to 15 days वो भी फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। अभी तो दीवार का काम तो आपने देख ही लिया चल रहा है, तो उसके बाद ये बिल्डिंग का काम शुरू होगा। सो आज तो इसलिए भी आए हैं क्योंकि जो लोकल एजेंसी हैं जैसे HBSEB हैं और हिमाचल गवर्नमेंट की हैं, वो क्या क्या बनाना है, जैसे अप्रोच रोड होगी, वाटर सप्लाई और बिजली का काम, वो टाई अप करना है इनके साथ सो दैट आगे इनको ही प्रॉब्लम ना हो। सो हमारी पूरी इंजीनियरिंग की टीम आई है, वो सारा देखेंगे और बताएंगे कि कैसे करना है। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए करीब 13 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जबकि 2 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान मार्च 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास किया था। इस पीजीआई सैटेलाइट सेंटर पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। पीजीआई के सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाने के लिए जो शिलान्यास केंद्रीय मंत्री उस समय के जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय हमारे राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी और उनके साथ साथ पीजीआई की जो सारी टीम इंक्लूडिंग डायरेक्टर साहब उस समय आए थे, शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास के बाद लगातार पीजीआई की इस सारे सैटेलाइट हॉस्पिटल को शेप जल्दी से जल्दी दी जाए और जल्दी से जल्दी जहां काम शुरू हो उसके लिए पीजीआई की सारी अथॉरिटी कई बार ऊना जिला का विजिट कर चुकी है। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पीजीआई की टीम ने आज दौरा किया है और काम में तेजी लाने के लिए स्थानीय विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे ताकि क्षेत्र की जनता के लिए जल्द से जल्द पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनकर तैयार हो जाए। और आज भी विशेष रूप से इंजीनियरिंग विंग से लोग आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं जो यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं पीजीआई की तरफ से, डॉक्टर सहगल जी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा स्टेट का जो 3 डिपार्टमेंट्स आज विशेष रूप से हमने जहाँ बुलाए हैं, जिन्होंने बिजली पहुँचानी है, पानी पहुँचाना है, सड़क पहुँचानी है और 2 अन्य डिपार्टमेंट जो लोकल हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ टाउन कंट्री प्लानिंग के ऑफिसर हमारे साथ आए हुए हैं। तो आज हम सब इस काम के लिए जहाँ आए हैं कि किस तरह से इस सारी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।